सोचो, तुम यहाँ बैठ के मेरी बात सुन रहे हो और उधर चिंटू की 120 करोड़ की नौकरी लग गई। वुल्फ गुप्ता सिलिकॉन वैली का सबसे बड़ा डेवलपर बन गया। एक ही कंपनी में उसने तीन तीन बार नौकरी कर ली। वुल्फ गुप्ता की सैलरी जो है वो उसके एज के हिसाब से बढ़ती है। कभी वो 9 साल का होता है तो कभी 12 साल। इसने इस उम्र में सिर्फ इंडिया के ही नहीं बट मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक फर्म ऑफ वर्ल्ड विद अ करंट वैल्यूएशन ऑफ अ वूपिंग 21 बिलियन डॉलर्स। एक काम करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बायजू रविंद्रन से, सच अ गुड मैन। ये इनिशियली खुद को एज अ सीरियल कैट टॉपर मार्केट करते हैं और इन्हें पता चलता है कि लोग सच में एजुकेशन पे पैसा खर्च कर रहे हैं। एक कैट की कोचिंग सेंटर की शुरुआत की जाती है। बायजूस खुद एक काफी बढ़िया स्पीकर हुआ करते थे। इसी बदौलत वो 3 से 4 मैथ के मैजिक ट्रिक्स दिखाते हैं एंड पीपल स्टार्टेड थिंकिंग दैट ही इज टीचिंग देम फॉर कैट, और इधर लोग बस उन्हें सुनने के लिए पैसे दे रहे थे। शुरुआत हो चुकी थी, थोड़ी सी फंडिंग, थोड़ी सी मार्केटिंग और थोड़ी सी ब्रांडिंग, और बायजूस अब एक कंपनी बन चुकी थी जो कि स्कूल स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती थी। बायजूस वो भी कंपनी बन चुकी थी जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी को अच्छे तरीके से समझ रही थी। बायजूस को ये पता चलता है कि पेरेंट्स बच्चे को एक टैब या मोबाइल सिर्फ गेम खेलने के लिए नहीं दे सकते बट पढ़ने के लिए जरूर दे सकते हैं। थोड़ी सी और सेल्स पीपल की हायरिंग और अब बायजूस बड़ा हो चुका था। उनके पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डेटा था। नाउ द रियल गेम वॉज अबाउट टू स्टार्ट। सडनली बायजूस एक्सट्रीम लेवल पे मार्केटिंग शुरू कर देता है टू टारगेट द चिल्ड्रन एंड दियर पेरेंट्स। उन्हें बस स्टूडेंट का डेटा चाहिए था, कैसे भी मिल जाए। बायजूस के सेल्स पीपल्स को बच्चों के पेरेंट्स को 100% कन्विंस करने के लिए ट्रेन किया जाता है। ये सेल्समैन पेरेंट्स की इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर करते हैं, एक्चुअली एक्सप्लॉइट करते हैं। तो होता यह है कि जब एक 11th क्लास का बच्चा आंसर की तलाश में गलती से बायजूस ऐप डाउनलोड कर लेता है तो उसे आंसर तो ऑफ कोर्स मिलता ही है, उसके बदले उसे 15 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है। एंड रिमेंबर, व्हेन समथिंग इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट। कोई चीज़ फ्री में मिली है तो पेरेंट्स भी फुल मूड में आ जाते हैं एंड अच्छे तरीके से बायजूस का जूस निकालने को कहते हैं। अब बच्चा करे भी तो क्या करे, बच्चा इन 15 दिनों के बीच में पूरा मन लगा के जूस का एक एक बूंद निचोड़ देता है। इधर बायजूस के अंदर उस बच्चे का एक एक बिहेवियर मॉनिटर किया जाता है। वो कब कब ऐप चालू करता है, ऐप पर कितना टाइम बिताता है, क्या पढ़ता है, ऐप में कौन से वीडियोज़ देखता है। इस डेटा को एनालाइज किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि बच्चे का करंट स्टेट क्या है, पढ़ने में कैसा है। इन शॉर्ट, बच्चे की एक कुंडली बनाई जाती है जो कि पेरेंट्स का भाग्य डिसाइड करेगा। बायजूस की सेल्स टीम से पेरेंट्स को फोन आता है और पेरेंट्स को ये पता चलता है कि उनका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा तो है ही बट इतना नहीं कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए। सर, हमने इन 15 दिनों में आपके बच्चे को अच्छे से समझा और अब हमसे बेहतर पढ़ाई में इसे कोई नहीं जानता, तो अगर आप अपने बच्चे को एक अच्छा इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो आपको बायजूस का ये JEE का प्रीमियम कोर्स ले लेना चाहिए जो कि आपके बच्चे को IIT पहुंचा देगा, वरना आपका बच्चा इंजीनियरिंग तो दूर 12th क्लास भी बहुत कम नंबर से पास कर पाएगा। पेरेंट्स अभी इधर सोच में पड़े हैं कि क्या करें एंड बूम, बायजूस गॉट अ सेल बाय एक्सप्लॉइटिंग इनसिक्योरिटीज ऑफ बीइंग अ पेरेंट। अगर किसी पेरेंट के पास तुरंत पैसे नहीं होते तो बायजूस कोर्सेज को अफोर्डेबल बनाने के लिए कई बैंक्स के साथ टाई अप कर चुका है और इन कोर्ट ऑफ EMI एंड इंस्टॉलमेंट्स तुम्हें अननोइंगली एक लोन पकड़ा दिया जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। इससे भी आगे और एक चीज होती है कि तुम्हारे अकाउंट को ऑटो डेबिट पे सेट कर दिया जाता है जिससे कि हर महीने अपने आप पैसे कट जाएं और तुम्हें पता भी नहीं चले और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि कई कई जगह पेरेंट्स को ऐसे कंप्लेंट्स मिले हैं कि पेमेंट होने के बाद 7 डेज की डिलीवरी प्रॉमिस का बंटा धार हो जाता है, फ़ोन कॉल्स रिसीव नहीं किए जाते एंड रिफंड के नाम पर काट दिया जाता है। कॉल नहीं, वही जो तुम समझ रहे हो। जैसे तैसे अगर डिलीवरी पहुंच जाती है तो टैब में स्टोरेज की कमी और फलाना ढिमकाना शुरू हो जाता है। अगर मैं कंपनी की साइड से बात करूं तो कंपनी कल्चर कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि इन द नेम ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट या तो स्ट्रगलिंग फ्रेशर्स या फिर जॉबलेस लोगों को हायर किया जाता है टू मेक सेल्स। इन्हें टारगेट दिया जाता है और टारगेट अचीव ना होने पर सिंपथी और मोटिवेशन की जगह गालियाँ मिलती हैं, सैलरी कट्स मिलते हैं, धमकी मिलती है या फिर जॉब से फायर कर दिया जाता है। अरे बोल के मैं लात मारूंगा, तेरा कचरा उठाने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ। सर बार बार समझ नहीं आता कि रिटार्डेड है क्या? बोल के ये पूरे दिन से काम कर रहा हूँ फिर भी आपको समझ नहीं आ जाएगी। अच्छा क्या ये गंडूपना क्या कर रहा है तू?
बायजूस ने पिछले कुछ सालों में दुनिया भर की कंपनीज अक्वायर कर ली हैं टू डिमोलिश दियर कंपटीशन, जैसे चिंटू को सफेद टोपी पहनाने वाली व्हाइट हेड जूनियर, ऑफलाइन में बच्चों को आकाश के सपने बेचने वाली, ग्रेड अप करवाने के झांसा देने वाली एपिक शिट और ऐसे ही ढेर सारी कंपनीज। वो किसी किराने की दुकान पर बैठा बायजूस हो, अनसोच अकेडमी, पॉलिटिक्स वाला या चाहे डाउनग्रेड, देयर सोल पर्पस इज प्रॉफिट एंड सिंस आई एम इन फेवर ऑफ कैपिटलिज्म आई वोंट डिनाई देम बट आई विल नेवर रेस्पेक्ट देम एज अ कंज्यूमर एंड मोहित द साइड साइनिंग ऑफ।